अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शान अली और आप सब दोस्तों को शान अली टीवी में वेलकम कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीमेल के बारे में। नाज़रीन, हर रोज़ दुनिया भर में लगभग 100 लोगों के जीमेल अकाउंट्स को चोरी किया जाता है। इन अकाउंट्स के हैक होने की वजह इन 100 लोगों की खुद की लापरवाही है। अगर आपका जीमेल अकाउंट हैक होता है तो समझिए सारा सिस्टम ख़राब हो जाता है, क्योंकि यूट्यूब, ब्लॉगर, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम और दीगर वेबसाइट वगैरह के अकाउंट्स आपके जीमेल आईडी पर बने होते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा जिसे आजमाने के बाद किसी का बाप भी आपकी जीमेल आईडी को चोरी नहीं कर सकता। इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले अपने ब्राउज़र को ओपन कर लें और ब्राउज़र में यहाँ पर ये वेबसाइट बार है, यहाँ पर आप लिखेंगे gmail.com। ठीक है, gmail.com जैसे ही आप लिखेंगे तो आपकी जो जीमेल आईडी है वो ओपन हो जाएगी। ये जीमेल आईडी ओपन हो रही है। अच्छा, जीमेल आईडी ओपन होने के बाद यहाँ पर ये आपको अकाउंट का जो ये नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस तस्वीर के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है माय अकाउंट। आपने माय अकाउंट में जाना है। दोस्तों, माय अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पर ये देखें बहुत सारे ऑप्शंस हैं माय अकाउंट में, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कंट्रोल, प्रोटेक्ट एंड सिक्योर योर अकाउंट ऑल इन वन प्लस। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर ये देखिए कंट्रोल योर पासवर्ड एंड गूगल अकाउंट एक्सेस। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है साइनिंग इन टू गूगल, इस पर आपने क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें सबसे ऊपर जो ऑप्शन है ये भी मतलब के प्रोटेक्शन का है, आपके जो पासवर्ड वगैरह का। तो आपने ये देखें यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन आपने क्या करना है यहाँ पर टू स्टेप वेरिफिकेशन। ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा पासवर्ड एंड साइन इन मेथड। ठीक है, इसमें जाएंगे तो यहाँ पर ये टू स्टेप वेरिफिकेशन जो है उस पर क्लिक करेंगे। टू स्टेप वेरिफिकेशन मतलब कि ऐसा प्रोटेक्शन है आपके जीमेल आईडी के लिए, जिसमें मतलब कि जब आप अपनी आईडी को ओपन करेंगे, जब आप आईडी, यूज़र नेम और पासवर्ड लगा के अपनी आईडी को जब खोलेंगे तो वो ओपन होने से पहले आपसे वेरिफिकेशन कोड मांगेगा। तो जब आप उस वेबसाइट में जीमेल आईडी में वेरिफिकेशन कोड जो है सबमिट कर देंगे, उसके बाद ही आपकी आईडी ओपन हो जाएगी। तो आपने सिंपली जो है यहाँ पर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका जो पासवर्ड है वो सिंपली आपने लगा देना है। ठीक है, उसके बाद हम टू स्टेप वेरिफिकेशन मेथड में चले जाएंगे। इस मेथड से क्या होगा कि इस मेथड से कोई भी आपकी आईडी को हैक करने की कोशिश करेगा तो आपके मोबाइल पर वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी आईडी कौन हैक करना चाहता है और आप उसको जो है फिर से प्रोटेक्ट बना सकते हैं। इससे मतलब कि आपकी आईडी कभी भी हैक नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें टू स्टेप वेरिफिकेशन मेथड में आने के बाद जो है आपने यहाँ पर आप अपनी कंट्री का जो कोड है वो सेलेक्ट करेंगे। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। तो सिंपली जो मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं जो है पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है हाउ डू यू वॉन्ट टू गेट कोड्स, फ़ोन कॉल के ज़रिए कोड हासिल करना चाहते हैं अपने मोबाइल पर या फिर टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए। तो मैं जो है टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए जो है वो हासिल करना चाहता हूँ सबमिट कोड जो हम करेंगे। तो नंबर आपने बिल्कुल सही डालना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये देखें ऑप्शन आ गया प्रोसेसिंग योर मोबाइल नंबर। तो उसके बाद जो है
थोड़ी देर में ही आपको अपने मोबाइल पर इसका कोड जो है वो वसूल हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे पास ये कोड आ चुका है, मैं जो है ये कोड जो है दर्ज कर देता हूँ, 92 3 7 3 8, ठीक है। उसके बाद मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ इट वर्क इट टर्न ऑन टू स्टेप वेरिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये यह देखें टर्न ऑन, मतलब कि इस वक्त ये टर्न ऑफ है, तो मैं जो है इसे टर्न ऑन करूँगा। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। अब ये टर्न ऑन हो गया है, ठीक है। उसके बाद ट्राई करते हैं, यहाँ पर जो है मैं इसे साइन आउट करता हूँ। तो ये साइन आउट हो रहा है हमारा अकाउंट, नेट की स्पीड थोड़ी स्लो है। तो दोस्तों जब हम दोबारा अपनी आईडी पर साइन इन होंगे तो यहाँ पर जो है मैं इसे क्लिक करता हूँ, अपनी आईडी को जो है दोबारा पासवर्ड लगा के इसे ओपन करता हूँ। तो जैसे ही मैं इसे ओपन करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पर ये देखें एंटर अ वेरिफिकेशन कोड, ये कोड हमसे मांग रहा है, ठीक है। तो दोबारा जो है हमें यहाँ पर कोड डालना होगा, तो कोड मुझे मिल चुका है, कोड है 52 5 9 4 8, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये देखें डोंट आस्क अगेन ऑन दिस कंप्यूटर, ठीक है, मतलब कि अगर मैं इसे डन कर दूंगा तो इस कंप्यूटर में दोबारा ये वेरिफिकेशन कोड मुझसे नहीं मांगेगा। मतलब कि अगर दुनिया में किसी और जगह आप किसी भी और कंप्यूटर या फिर मोबाइल से आपकी आईडी को अगर हैक करने की कोशिश की जाएगी तो आपके मोबाइल पर वेरिफिकेशन कोड आपके पास आ जाएगा। तो सिंपली मैं इसे डन कर देता हूँ। तो दोस्तों मैं दोबारा जो है अपने गूगल अकाउंट में लॉगिन हो चुका हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। अगर कुछ कहना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। और अगर हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ आप आसानी से हासिल करना चाहते हैं तो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन को भी लाजमी दबाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।